नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टेक अनबॉक्सिंग। एंड यस गाइस, फाइनली वो एपिसोड आ चुका है जहां पे मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 ब्लूटूथ स्पीकर अंडर 500 रुपीज। एंड गाइस, एक दिक्कत वाली बात ऐसी हुई कि कुछ टाइम पहले मैंने इन स्पीकर्स को परचेस किया था। टोटल अमाउंट हो रही थी लगभग कुछ 2600 रुपीज पाँचों भी स्पीकर्स की, बट दो स्पीकर्स की प्राइस है ना यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है। सो वीडियो में हम देखेंगे क्या ये स्पीकर्स एक्चुअल में वैल्यू फॉर मनी क्रिएट करते हैं या नहीं करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट उससे भी पहले, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, यहाँ पे जो सबसे पहला स्पीकर है ना वो है अरोमा कंपनी का ये ब्लूटूथ स्पीकर। 5 वॉट्स का आउटपुट साउंड है। एंड गाइस, बॉक्स के अंदर है ना वो एक्चुअल स्पीकर एंड यहाँ पे आपको माइक्रो एसबी केबल देखने मिलते हैं। बिल जो है ना इसके कंप्लीटली पॉलीकार्बोनेट के आपको देखने मिलते हैं। डिजाइन काफी यूनिक सा उन्होंने प्रोवाइड किया है। आगे की तरफ आपको ग्रिल फिनिशिंग भी देखने मिलती है एंड आगे की तरफ यहाँ पे आपको एलईडी लाइट्स देखने मिलते हैं। एंड यस, इस एलईडी लाइट्स के कलर्स को आप चेंज भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे उन्होंने फ्रंट में ना 5 वॉट्स का स्पीकर प्रोवाइड किया। साइड में आपको ड्राइवर्स देखने मिलते हैं, बस ये नाम के लिए ड्राइवर्स दिए हैं, एक्चुअल में ये वर्क नहीं करते क्योंकि जो मेन स्पीकर है वो बीच में आपको देखने मिलता है। एंड गाइस, इस स्पीकर की पता है दिक्कत क्या है? जब भी आप पावर ऑन करोगे ना, वेलकम टू अरोमा स्पीकर रेडी टू कनेक्ट। सो गाइस, ये भाई साहब क्यों हिला डाला ना। ओके, ऑन करते ही भाई बहुत ही जोर से ये स्पीकर यू नो साउंड करता है। बट यस, अभी हम सुनते हैं इसके साउंड क्वालिटी को। तो गाइस, साउंड आउटपुट वाला पार्ट है ना इस स्पीकर का, मुझे बहुत ही इंप्रेसिव लगा। प्राइसिंग है इसके लगभग 470 रुपये, उस हिसाब से भाई बहुत ही अमेजिंग इसका स्पीकर आउटपुट है। एंड यस, इसके अंदर है ना आपको एफएम रेडियो का भी फीचर देखने मिलता है। पिछले गैजेट अंडर वाले एपिसोड में मैंने बताया था कि इसका एफएम रेडियो वर्क नहीं करता, तो यार कमेंट्स में आया था कि यार एक माइक्रो एसबी केबल कनेक्ट कर दो इसके साथ एंड उसके बाद जो एफएम रेडियो वर्क करेगा। तो यहाँ पे माइक्रो एसबी केबल मैंने कनेक्ट कर दिए। मोड्स में जाता हूँ। ओल्ड डैड की स्कूल ट्रिक में उनकी हेल्प करता है लॉयड। लॉयड के एसी। एंड गाइस, जैसे आप इसका माइक्रो एसबी केबल रिमूव करोगे ना, यहाँ पे एफएम रेडियो जो है स्टॉप हो जाता है। ब्लूटूथ मोड। सो गाइस, माइक्रो एसबी केबल की हेल्प से एफएम रेडियो इसका वर्क करता है। एंड गाइस, पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो रेयर में यहाँ पे आपको माइक्रो एसबी पोर्ट, यूएसबी टाइप ए पोर्ट, माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट उन्होंने प्रोवाइड किया है। बैटरी की अगर मैं बात करूं तो ये स्पीकर है ना कंटिन्यूस 10 आवर्स का प्लेबैक टाइम आपको प्रोवाइड करता है। 470 रुपीज की प्राइस में मैं बोल सकता हूँ डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी है। एंड यहाँ पे जो अगला स्पीकर है ना वो है अमेजॉन बेसिक्स का। 5 वॉट्स का इसका टोटल आउटपुट साउंड है। बॉक्स के अंदर है ना वो एक्चुअल स्पीकर, एक केबल, एक यूजर मैनुअल उन्होंने प्रोवाइड किया है। वैसे गाइस, मैंने इसे परचेस किया था लगभग 585 रुपीज के प्राइस में, बट अभी इसकी प्राइसिंग इंक्रीज हो चुकी है 699 रुपीज। देखते हैं क्या ये एक्चुअल में वर्थ है या नहीं। सो यहाँ पे जो इसकी बिल्ड है ना कंप्लीटली पॉलीकार्बोनेट के आपको देखने मिलते हैं। काफी रगेड सा ऐसा लुक यहाँ पे स्पीकर को उन्होंने प्रोवाइड किया। आगे की तरफ यहाँ पे आपको 5 वॉट्स का आउटपुट स्पीकर देखने मिलता है। एंड यस, यहाँ पे मैं सैम्पल वीडियो फुटेज प्ले करता हूँ। साउंड क्वालिटी आप सुनिए। सो गाइस, साउंड आउटपुट वाला पार्ट इस स्पीकर का बढ़िया निकल गया था। बट गाइस, जो अरोमास का स्पीकर था ना, इसके पहले मैंने जिसे आपको बताया अनबॉक्स किया, उसका आउटपुट साउंड इससे मुझे बढ़िया लगा। बट यस, इसके अंदर है ना आपको बिल्ट इन माइक देखने मिलता है। जैसे ही कॉल रिसीव होता है आप डायरेक्टली स्पीकर की हेल्प से बात कर सकते हो। सो अभी हम उसे टेस्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैंने कॉल प्लेस कर दिया है। हेलो सर। यस मिस्टर बाबा, कैसे हो? एकदम बढ़िया सर, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। अच्छा बाबा, मुझे बताओ कि मेरी साउंड कैसे सुनने मिल रही है आपको? अच्छा है, मतलब क्लियर आ रहा है लेकिन कम आ रहा है सर थोड़ा। अच्छा, तो तेरा भी आवाज कम आ रहा है, मेरा भी आवाज कम सुनने मिल रहा है, राइट? हाँ सर, आवाज कम आ रहा है। अभी आ रहा है क्या, जोर से आवाज आ रहा है? हाँ अभी थोड़ा सा बढ़ गया सर। अरे बट ये तो स्पीकर है ना, दूर से रखने के लिए बना है, दूर से बात करेंगे। ऐसे बात करूंगा तो मैं फोन से ही बात करूँ यार। ये स्पीकर को ऐसे पकड़ के बात करना पड़ रहा है, तो मतलब ही क्या है इसमें माइक देके। सो गाइस, कॉलिंग के लिए डेफिनेटली मैं इसे रेकमेंड नहीं करता। एंड इसके अंदर है ना बिल्ट इन एफएम रेडियो भी आपको देखने नहीं मिलता है। पोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो रेयर में आपको यूएसबी टाइप ए पोर्ट, माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट, माइक्रो यूएसबी पोर्ट चार्जिंग के लिए एंड एक ऑन ऑफ का बटन आपको देखने मिलता है। बट यस, टॉप ऑफ दैट इसकी बैटरी लाइफ बहुत ही बढ़िया है। 36 आवर्स का कंटिन्यूस प्लेबैक टाइम यहाँ पे आपको देखने मिलता है। सो गाइस, 699 रुपीज़ की जो प्राइस है ना इसकी, मुझे थोड़ी बहुत ओवर प्राइस लगी।
जिस प्राइस में मैंने इसे परचेस किया था ना 580-550 वो प्राइस में मैं इसे डिसेंट बोल सकता हूँ। एंड यहाँ पे जो अगला स्पीकर है ना वो है पीट्रॉन कंपनी का म्यूजिक बोर्ड स्पीकर। एंड यहाँ पे बॉक्स के अंदर है ना वो एक्चुअल स्पीकर, एक यूजर मैनुअल एंड एक केबल आपको देखने मिलते हैं इसे चार्जिंग करने के लिए। वैसे गाइस बिल जो है ना इसके कंप्लीटली पॉलीकार्बोनेट के आपको देखने मिलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे उन्होंने मेश क्लॉथ प्रोवाइड किया है। लुक्स गाइस इस पर्टिकुलर स्पीकर के बहुत ही प्रीमियम यहाँ पे निकल के आते हैं। एंड इस स्पीकर के अंदर भी आपको 5 वॉट्स का आउटपुट साउंड देखने मिलता है। वैसे गाइस इसके प्राइसिंग है 499 रुपीज। सो आइए सुनते हैं इसके साउंड क्वालिटी को। तो गाइस साउंड आउटपुट की अगर मैं बात करूँ तो साउंड काफ़ी क्लियरली आपको सुनने मिलता है, बट गाइस लाउडनेस नहीं थी इतनी ज़्यादा साउंड में, मतलब 3-4 वॉट्स का ही स्पीकर लग रहा था ये मुझे। 499 में मैं डिसेंट बोल सकता हूँ। वैसे गाइस इसके अंदर है ना FM रेडियो का भी फीचर आपको देखने नहीं मिलता, बिल्ट इन माइक भी उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया है। एंड इसके पोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो रेयर में यहाँ पे आपको USB टाइप ए पोर्ट, माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट, माइक्रो USB पोर्ट चार्ज करने के लिए एंड एक ऑन ऑफ बटन देखने मिलता है। एंड बैटरी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 6 आवर्स का कंटिन्यूस प्लेबैक टाइम भी देखने मिलता है। सो गाइस बैटरी भी डिसेंट है, साउंड आउटपुट भी डिसेंट है, लुक्स काफ़ी प्रीमियम है। 499 की जो प्राइस है ना इतनी जस्टिफाई नहीं हो रही है। 399 होता ना तो भाई सुपर डुपर वैल्यू फॉर मनी होता। सो गाइज यहाँ पे जो अगला स्पीकर है ना वो है JBL का मिनी बूस्ट 4 ब्लूटूथ स्पीकर। एंड गाइज ये काफ़ी कॉम्पैक्ट सा ब्लूटूथ स्पीकर है। एंड यहाँ पे बॉक्स के अंदर है ना वो एक्चुअल स्पीकर एंड एक माइक्रो USB केबल आपको देखने मिलते हैं इसे चार्ज करने के लिए। वैसे गाइज आप देख सकते हो कम्प्लीटली मेरे मुट्ठी में यहाँ पे ये बैठ जाता है। एंड यहाँ पे इसकी जो बिल्ड है ना कम्प्लीटली मेटालिक आपको देखने मिलते हैं। ऊपर की तरफ भी मेटालिक ग्रिल उन्होंने प्रोवाइड किया है, नीचे की तरफ यहाँ पे पावर ऑन बटन एंड एक माइक्रो USB पोर्ट आपको देखने मिलता है। गाइज ये लिखा तो है JBL बट गाइज यू नो क्लोन वेरिएंट टाइप है, क्योंकि बहुत सारे जेनेरिक सप्लायर्स आपको देखने मिलेंगे इस पर्टिकुलर स्पीकर के। बट फिर भी गाइज यहाँ पे आउटपुट साउंड हम चेक करेंगे। कंपनी क्लेम करती है जहाँ से मैंने इसे परचेस किया 5 वॉट्स का आउटपुट साउंड है। तो सैम्पल वीडियो लगाइए, आउटपुट साउंड सुनिए। सो गाइस इतना कॉम्पैक्ट स्पीकर होने के बावजूद भी यहाँ पे जो साउंड आउटपुट वाला पार्ट था ना काफी बढ़िया मुझे लगा। 5 वॉट्स तो डेफिनेटली ये साउंड नहीं कर रहा था, 3 वॉट्स का ही आउटपुट साउंड था। साउंड काफी लाउड आपको सुनने मिलता है, बेस वाला पार्ट है ना डिसेंट निकल गया था। एंड वैसे गाइस इसके अंदर है ना आपको FM रेडियो का फीचर देखने नहीं मिलता, बिल्ट इन माइक भी उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया है। बट गाइस 350 रुपये की प्राइस में आपको ये मिल रहा है, लोकल मार्केट में तो मेरे हिसाब से 200 रुपये का ही मिल जाएगा। एंड उस पर्टिकुलर प्राइस पे मैं वैल्यू फॉर मनी बोल सकता हूँ, मतलब आप ले सकते हो। बस वही है ना दिक्कत, वारंटी वाले पार्ट का गारंटी कौन लेगा, वारंटी का गारंटी कौन लेगा। बात तो सही है। सो यहाँ पे जो अगला स्पीकर है ना वो है पोट्रॉनिक्स का पिक्सल 2 ब्लूटूथ स्पीकर। एंड यहाँ पे बॉक्स के अंदर है ना वो एक्चुअल स्पीकर, एक यूजर मैनुअल एंड एक माइक्रो USB केबल देखने मिलते हैं इसे चार्ज करने के लिए। वैसे गाइस इसका जो लुक एंड फील है ना रेट्रो स्पीकर जैसे आपको देखने मिलता है, बिल्ड कम्प्लीटली पॉलीकार्बोनेट की है। एंड यहाँ पे ना डेडिकेटेड वॉल्यूम का आपको एक नॉब भी देखने मिलता है। एंड वैसे गाइस इसके अंदर जो स्पीकर है ना वो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 वॉट्स का ही देखने मिलता है। इसके पहले जितने भी स्पीकर्स हमने अनबॉक्स किए वो सब 5 वॉट्स के थे, बट इसका 3 वॉट्स का स्पीकर है गाइज। मैंने इसे परचेस किया था 549 की प्राइस में, अभी फिलहाल ये बिक रहा है 699 रुपीज़ की प्राइस में। पता नहीं गाइज किस खुशी में इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है, बट ये सैम्पल वीडियो फुटेज प्ले करता हूँ, साउंड क्वालिटी को सुनिए। सो गाइज टोटली डिसअपॉइंटिंग साउंड मुझे लगा इस पर्टिकुलर स्पीकर का, मतलब 200 रुपये में मैं इसे परचेस कर सकता हूँ, 699 तो मैं बिल्कुल नहीं देने वाला। मैंने ऑलरेडी 549 पे करके पैसा वेस्ट कर दिया है। FM रेडियो का भी फीचर आपको यहाँ पे देखने नहीं मिलता है। एंड पोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको माइक्रो USB पोर्ट, माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट एंड 3.5mm का जैक देखने मिलता है। यस, इसके पहले जितने भी सारे स्पीकर्स थे ना उसमें 3.5mm का जैक नहीं था, इसके अंदर आपको 3.5mm का जैक देखने मिल जाता है, बट USB टाइप ए पोर्ट उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया। एंड एडिशनली यहाँ पे उन्होंने स्प्लैश रेजिस्टेंस का भी फीचर प्रोवाइड किया है, गलती से पानी गिर जाता है टेंशन मत लीजिए। एंड गाइस इसके बैटरी की अगर मैं बात करूँ तो 8 आवर्स का कंटिन्यूस प्लेबैक टाइम आपको देखने मिलता है। ओवरऑल गाइज बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी है स्पीकर नहीं है, 3 वॉट्स का ही आउटपुट साउंड है। अगर आपको ऑफर में 299 का वगैरह मिल रहा है ना तो डेफिनेटली आप इस स्पीकर के लिए जा सकते हो। सो गाइज यही थे कुछ स्पीकर्स जो आपको मिल जाएंगे बजट प्राइस में। हालांकि गाइज 2 स्पीकर्स की प्राइस यहाँ पे बढ़ चुकी है, बट उसमें भी Amazon Basics का स्पीकर है ना
कुछ हद तक वैल्यू फॉर मनी मैं बोल सकता हूँ। पोट्रॉनिक्स का जो पिक्सल 2 स्पीकर है ना भाई, वो तो बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। गाइस अगर आप चाहते हो अंडर 1000 का भी एक नया एपिसोड में बनाओ तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। एंड गाइस इन स्पीकर्स की सारी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर जाके चेकआउट कीजिए। प्लस यहाँ पे आपको व्यू प्रोडक्ट्स का एक टैब भी देखने मिलेगा जहाँ से आप इन स्पीकर्स को एक्सप्लोर करके उन्हें परचेज भी कर सकते हो, सो उसे भी जरूर चेकआउट कीजिए। एंड गाइस बस यही था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।